रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए बी एंड सी लास्ट ईयर वॉज 3:4:5. द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ द लास्ट ईयर एंड दिस ईयर आर 4:5, 2:3 एंड 3:4 रिस्पेक्टिवली. इफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट इनकम इज 78,800, देन फाइंड द प्रेजेंट इंडिविजुअल इनकम ऑफ ए बी एंड सी. बोल रहा है कि इनकम जो है, रेशियो जो है, इनकम का रेशियो ए बी सी का, पिछले साल का इनकम का रेशियो जो है वो 3:4:5 है. द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम, और प्रत्येक का अलग अलग इंडिविजुअल, एक एक का जो लास्ट ईयर और इस साल का जो इनकम का रेशियो है वो 4:5, 2:3 और 3:4 है. अगर इफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट इनकम, अगर आज की इनकम को जोड़ देते हैं उन लोगों का, तो 78,800 रुपये बनता है. फाइंड द प्रेजेंट इंडिविजुअल इनकम, तो आपको वर्तमान की अलग अलग ए बी सी का अलग अलग इनकम बताना है. ठीक है, तो मान लीजिए कि लास्ट ईयर में जो इनकम था वो 3:4:5, यानी कि ये 3x, 4x और 5x के बराबर है. ठीक है, तो प्रेजेंट इनकम कितना होगा? तो प्रेजेंट इनकम आपका दिया हुआ है, देखिए ये लास्ट, ये जो रेशियो दिया हुआ है वो कैसे दिया है, लास्ट ईयर और इस ईयर का, यानी कि ये लास्ट ईयर है और ये इस ईयर का है. तो हम निकाल रहे हैं प्रेजेंट इनकम, यानी कि ये अभी का इनकम और ये लास्ट ईयर, यानी 4/5 हो जाएगा. ये 5/4 होगा. आप 4/5 नहीं कीजिएगा, क्यों? क्योंकि हम निकाल रहे हैं प्रेजेंट इनकम. तो ये प्रेजेंट इनकम ही है और लास्ट ईयर इनकम ही है. इसका रेशियो ये दिया हुआ है, यानी कि 5/4 × 3x. क्यों? क्योंकि ये लास्ट ईयर का है, तो ये लास्ट ईयर का इनकम और लास्ट ईयर का रेशियो जो है वो इस ये आ रहा, 4/5 × 3x. तो इतना आ जाएगा प्रेजेंट बी का और सी का, इस तरह से आ जाएगा. इसका मतलब, इसलिए हमारा जो प्रेजेंट इनकम आ रहा वो ये है, एक्चुअल में हमारा प्रेजेंट इनकम ये है, और ये प्रेजेंट इनकम को हम आपस में ऐड करेंगे तो इतना के बराबर, यानी कि 78,800 के बराबर है. तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 4800 रुपये. अब क्या पूछ रहा है? प्रेजेंट इनकम इनका पूछ रहा है. तो कुछ नहीं करना, प्रेजेंट इनकम आपको पता है, x का वैल्यू पता है, इन सब से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ए बी सी का वैल्यू इतना आ जाएगा. थैंक यू.